खबर रीवा से है, जहां गढ़ क्षेत्र की होनहार बेटी को सम्मानित करने मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति पहुंचे। प्रतिभाशाली बालिका रामकली कुशवाहा पिता चंद्रिका कुशवाहा को पुष्प गुच्छ मिठाई खिलाकर और 1000 रुपये नकद से सम्मानित किया। वहीं विधायक के साथ कमल किशोर पांडे थाना प्रभारी गढ़ राम कुमार गायकवाड़ भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष रमाकांत भारती कुशवाहा समाज से पड़ुआ सरपंच शेष मणि कुशवाहा रामदीन कुशवाहा एडवोकेट संतोष कुशवाहा जगजीवन कुशवाहा पूर्व शिक्षक दधिबल कुशवाहा के साथ ही गांव के समाजसेवी राजेश तिवारी उर्फ पप्पू कांग्रेस पार्टी के रजनीश तिवारी धर्मेंद्र मिश्रा परासी मुनिंद्र सोनी इत्यादि लोगों ने पहुंचकर सम्मानित किया। विधायक पंचूलाल प्रजापति बच्ची को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक शिक्षा निधि और मुख्यमंत्री के घोषित कार्यों को पूर्ण कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। कुशवाहा समाज की ओर से शेषमणि कुशवाहा द्वारा बच्ची को हाल ही में इलाहाबाद परीक्षा हेतु संपूर्ण व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बच्ची ने सभी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए सभी से निवेदन किया कि अप्रैल की 10 तारीख के बाद लोग मिलें जिससे परीक्षा कार्य प्रभावित ना हो। वहीं दूसरी तरफ पिता ने खुशी के साथ ही दुख भी व्यक्त किया कि मजदूरी कार्य बाधित हो रहा है क्योंकि लोग घरों में आते हैं तो मिलना आवश्यक है। एक गरीब परिवार को समाज की इस तरह सम्मान से पूरा परिवार पूरा समाज गदगद दिखा। गाँव में गाड़ियों का काफिला और लोगों की भीड़ देखकर अन्य आस पास और पड़ोस के बच्चों पर भी पढ़ने की जिज्ञासा दिखने लगी है। बहुत अच्छा है। हमारा नमस्कार नमस्कार से मेरे लिए आए मुझे आशीर्वाद दिए बधाई दिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये लोग आने से कोई दिक्कत हो रही है लगाता हूं लगाता हूं आज लवरी गांव में इसलिए आया हूं कि आज बड़ा हर्ष का दिन है और एक अपने मनगवा विधानसभा का एक बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है कि जो ये बहुत गरीब घराने की बच्ची कुशवाहा समाज से है और ये बहुत गरीब घराने की बच्ची आज इतना पढ़ कर के और अपने मेहनत और मशक्क़त के कारण ये आज पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं भारत में ये गौरव हासिल की है। तो ये तो हमारे ही नहीं पूरे हमारे मनगवा विधानसभा का गौरव उन्होंने वो किया है और मैं इसी तरह से आशा करूँगा कि और भी हमारे मनगवा क्षेत्र से ऐसी बच्चियां पढ़ करके और भी अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करें और भारत का भी गौरव बढ़ाएं प्रदेश का भी गौरव बढ़ाएं है ना और जितनी मदद हो सके तो हम शासन स्तर से या अपने स्तर से जैसा भी होगा हम पूरी तरह से इनके पढ़ाई और की व्यवस्था के लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे।